एक साल से छोटे बच्चे को कुछ ऐसी चीजें जो आपको गलती से भी नहीं देनी। आपका बच्चा बीमार हो सकता है, बच्चे को और भी तरीके की डिजीजेस हो सकती है। हेलो मॉमी एंड डैडी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि एक साल से छोटे बच्चे को कुछ ऐसी चीजें जो आपको गलती से भी नहीं देनी है। आपका बच्चा बीमार हो सकता है, बच्चे को और भी तरीके की डिजीजेस हो सकती हैं, तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। अगर आप एक माँ हो, वीडियो देख रहे हो, आप फादर हो तो आप ये वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। एंड अगर आप इसी तरीके की वीडियो और भी देखना चाहते हो, अपनी बच्चे की केयर से जुड़े हुए, अपनी वाइफ की केयर से जुड़े हुए, या मतलब अगर आप एक माँ हो तो खुद की केयर से जुड़े हुए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं जल्दी से आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, पहली चीज़ है गाय का दूध। फ्रेंड्स, गाय का दूध क्या है कि एक साल से छोटे बच्चे डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि क्या होता है उस टाइम उनका डाइजेशन जो होता है बहुत ज़्यादा वीक होता है। एंड गाय का दूध क्या होता है कि इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। डाइजेस्ट होने में एक तो थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती है बच्चों को, तो मतलब गाय का दूध जो है छोटे बच्चों को सूट नहीं करता है। जैसे कि कई बार बच्चों को लूज मोशन होने लगते हैं, उल्टियाँ भी होने लगती हैं। जैसे कि मैं अपने बच्चे की बात करूँ तो मेरे बच्चे को अभी तक गाय का दूध डाइजेस्ट नहीं होता है, मेरे बच्चे गाय का दूध नहीं पी पाते हैं, उनको लूज मोशन हो जाते हैं। तो एटलीस्ट आपको 1 ईयर तक बच्चे को गाय का दूध नहीं देना चाहिए। गाय का दूध अगर आप अपने बच्चे को देना चाहते हो तो 1 ईयर कम्प्लीट होने के बाद दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज़ है चीनी। बच्चों को 1 साल तक मीठे से दूर रखना चाहिए। पहली चीज़ तो चीनी से मोटापा हो सकता है, बच्चों में फिजूल का मोटापा बढ़ सकता है जो कि आगे तक कंटिन्यू रहता है, बच्चा धीरे धीरे मोटापे का शिकार होता रहता है। तो 1 साल तक के बच्चे को आपको चीनी नहीं देनी है। जो भी आप खिला रहे हो, थोड़ा सा जैगरी का यूज़ कर सकते हो, आप गुड़ का यूज़ कर सकते हो 6 महीने के बाद बच्चे के लिए, वैसे तो वो भी मना होता है। इसीलिए जब तक आपका बच्चा 1 साल का ना हो जाए, आपको चीनी से बच्चे को दूर रखना चाहिए। आप जैसे कि चीनी से बनी हुई चीज़ें भी होती है, जैसे चॉकलेट होती है, आइसक्रीम होती है, तो इनमें भी चीनी की भरपूर मात्रा होती है, तो ये भी बच्चे को 1 साल तक आपको नहीं देना चाहिए। क्योंकि इस टाइम बच्चों का टीथिंग प्रोसेस भी स्टार्ट होता है, कई बच्चों के काफ़ी सारे दांत भी आ जाते हैं, लेकिन कई बच्चे लेट हो जाते हैं, 1 साल तक भी उनके दांत नहीं आते हैं, तो उनके टीथिंग प्रोसेस पर भी इफेक्ट पड़ सकता है, उनके दांतों में बैक्टीरिया हो सकते हैं, क्योंकि इस टाइम बच्चे ठीक तरीके से ब्रशिंग तो करते नहीं है। इसीलिए बच्चों को चॉकलेट भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि चॉकलेट में कैफीन तो होता ही होता है, चीनी की भी भरपूर मात्रा होती है। इसके बाद है चौथी चीज़, वो है नमक। 1 साल से छोटे बच्चों को आपको नमक भी नहीं देना चाहिए। नेचुरल जो सॉल्ट चीज़ें होती है, नेचुरल स्वीट चीज़ें होती हैं, वो आप बच्चे को दे सकते हो, लेकिन आपको एक्स्ट्रा से नमक बच्चे को नहीं देना चाहिए। जो दाल का पानी भी बनाना है आपको बच्चे को पिलाने के लिए, वो भी बिना नमक के बनाना होता है। दलिया बना रहे हो आप तो वो भी बिना नमक के आपको इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। 1 साल से छोटे बच्चे को नमक का सेवन नहीं कराना चाहिए। इसके बाद है पांचवी चीज़ और लास्ट चीज़, वो है पैकेट जूस। जो पैकेट बंद जूस होते हैं, पैकेट बंद फूड होते हैं, वो बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इनको लॉन्ग टाइम तक फ्रेश रखने के लिए बहुत तरीके के प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ किया जाता है। इसीलिए बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। इसलिए अगर आप बच्चे को पिलाना चाहते हो तो फ्रेश जूस पिलाइए, अपनी आँखों के सामने निकाला हुआ या घर में ही निकाला हुआ, क्योंकि बच्चों के लिए जूस बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। आप बच्चे को 6 महीने के बाद जूस का सेवन करा सकते हो, लेकिन पैकेट जूस बिल्कुल नहीं, गांठ बांध लें। तो जितनी मैंने ये चीज़ें बताई हैं, आपको उन सब के बारे में ही गांठ बांध लेना है कि ये बच्चे को गलती से भी नहीं देना है। सो कैसे लगा आपको ये वीडियो? आई होप हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को।